गुड मॉर्निंग बेटा, आर यू ओके? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द एडवेंचर स्टोरी इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट आई गेव यू सम क्वेश्चंस, बट इन टूडेज लेक्चर इज आल्सो रिलेटेड टू द एडवेंचर, मोर क्वेश्चंस हैं बेटा। तो आपने इन क्वेश्चंस को भी अपने फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करके, जैसे ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में पेरेंट सिग्नेचर करवा के आप उसको मेरे पास चेकिंग के लिए बेटा भेजोगे। और सबसे बड़ी मेन थिंग जो है वो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो बार बार बोलने के बावजूद भी, पेरेंट सिग्नेचर आप नहीं करवाते टीचर्स के, दैट्स ए मिजरेबल थिंग। ताकि पेरेंट्स की नोटिस में भी जाएगी, बच्चा काम किया है, आज का कर रहा है, आप सिग्नेचर जैसे हम डायरी में करवाते थे वैसे ही आप अपने नोटबुक में भी करवाओगे बेटा लेसन के लास्ट पार्ट पे। तो इस बात को कोई भी बच्चा इग्नोर ना करे प्लीज़, क्लियर? तो देखो, आज के लेक्चर में भी हम इस जो हमारा लेसन था एडवेंचर, उसके और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर बेटा? देखो, एक लड़की थी महक लुला हीर, बहुत मतलब बहुत अच्छी नोटबुक उसने प्रिपेयर कर रखी है, अपने मेंटेन कर रखी है, सभी डेट वाइज स्केच से अपने स्केच पेन से डेट डाल के फिर उसने पर्टिकुलर डे वाइज अपना काम डिवाइड करके, जैसे वीडियो लेक्चर में जाता है उसी प्रकार से, मतलब वैकेंसी बहुत ही अच्छा काम है बेटा। तो आपने भी वैसे ही एज इट इज़ सेम वे अपनी मतलब अच्छे से हाईलाइट करके डेट को, तब कॉपी में अपने काम को हाईलाइट करना है, क्लियर? तो देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो भाई, उससे हमने बताया था मराठा पानीपत की लड़ाई, और बेटा किस प्रकार से मराठे जीते थे, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ था, केवल बॉम्बे के आसपास रहा था, और किस प्रकार से उनका उनको वहाँ से खदेड़ने में, मतलब एक इंडिया इंडिया की जो नई हिस्ट्री गंगाधर पंत प्रोफेसर गेटोंडे ने जो रेस्पेक्ट किया था न्यू इंडिया का, वो क्या था, उन सारी बातों को हम पढ़ चुके थे, उन्हीं से रिलेटेड सारी बातें दोबारा से आएंगी। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे, ठीक है ना? अगर आपने लेक्चर के साथ कंसंट्रेट किया तो बेटा श्योरली आई एम श्योर कि भाई आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा बेटा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ हैड द मराठास वॉन द बैटल, कि जो बैटल ऑफ पानीपत जो था वो मराठों ने कैसे जीता, मतलब केवल और लीडरशिप के कारण ही। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अगर हमारा लीडर मतलब अच्छा है, एनकरेजियस है, तो मतलब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही मराठों ने उस बैटल को जीता था बेटा। देखो, आफ्टर रीडिंग अबाउट द कॉन्क्वेंसेस ऑफ द बैटल गंगाधर पंत, कहते आफ्टर रीडिंग अबाउट द कॉन्क्वेंसेस ऑफ द बैटल, कहते हैं उन उस युद्ध के बारे में पढ़ने के बाद गंगाधर ने महसूस किया दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंप्लीट, कि भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी, उसने ऐसा सोचा। बैटल की जो 5 वॉल्यूम्स हिस्ट्री बुक्स उसने पढ़ी उसके बाद में, टू फाइंड द आंसर, उसने उत्तर प्राप्त किया उस क्वेश्चन का, ही वेंट थ्रू द बुक्स, मतलब वेंट ऑन मीन्स वेंट थ्रू मीन्स कहते बेटा पढ़ना, गुजरना, इट मीन उन पुस्तकों में से गुजरा, इट मीन उन पुस्तकों को पढ़ा, एंड जर्नल्स बिफोर हिम, जो उसके सामने थी लाइब्रेरी में, उन सभी को पढ़ा। एट लास्ट अंत में अमंग द बुक्स ही फाउंड, कहता उन 5 वॉल्यूम्स में उसने पाया एक में दैट गेव हिम द क्लू, एक जो लास्ट 5 वॉल्यूम था उसमें उसको एक कारण मिला, इट वॉज बाहुसा बंशी भाकर ही फाउंड 3-line अकाउंट, कहते हैं गंगाधर पंत ने 3 line के अकाउंट को पाया, जो एक मतलब मेन रीजन था टू हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि भाई किस प्रकार से विश्वास राव जो थे क्लोज हैड टू कम बीइंग किल्ड, इट मीन्स किस प्रकार से मारे गए थे, हावर जबकि गॉड हैड बीन मर्सीफुल, कहते किस प्रकार से वो मारे गए, मतलब मृत्यु के किस प्रकार से बिल्कुल क्लोज थे वो, नज़दीक थे, और हावर जबकि गॉड हैड बीन मर्सीफुल, और भगवान कितने दयालु थे, द बुलेट जो गोली जो लगी थी विश्वास राव, ठीक है, विश्वास राव को जो गोली मारी गई थी ब्रूज्ड
पास्ट इज ईयर, कहता उसके कान के नज़दीक से निकली एंड ही वॉज सेव्ड बाई इंसिस, और कुछ ही मतलब थोड़ा सा बचा था उस गोली से और वहाँ रूमर हो गई थी बेटा कि भाई विश्वास राव मर गया, तो मतलब उसमें वो युद्ध हार गए थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट डिड ही टेक विद हिम एब्सेंट माइंडली फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहता एब्सेंट माइंडली इट मीन्स वहाँ अपने दिमाग का उपस्थिति ना पा करके उसने क्या किया, क्या लिया, हाउ डिड इट हेल्प हिम, मतलब एब्सेंट माइंडली उसने उन 5 वॉल्यूम में से क्या निकाला, जो उसने क्लू निकाला वो किस प्रकार से गंगाधर पंत प्रोफेसर गोटंडे की हेल्पफुल रहा। एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, कहता 8 बजे शाम, रात के 8 बज चुके थे, शाम के 8 बज गए थे, तो कहता उस वक्त उस लाइब्रेरियन ने प्रोफेसर को रिमाइंड करवाया दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि भाई लाइब्रेरी का बंद होने का समय हो गया है। बिफोर गंगाधर पंत लेफ्ट मतलब वहाँ से निकलने से पहले ही सोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, मतलब उसने उस 5th वॉल्यूम था हिस्ट्री का उसमें से कुछ एक पेजेस निकाले और अपनी नोट इन हिज राइट पॉकेट में डाल लिए। एब्सेंट माइंडली ही आल्सो सोड द बाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, जो बाकर 5th वॉल्यूम जो बाकर था हिस्ट्री का उसमें से कुछ एक पेजेस निकाले अपने राइट पॉकेट में डाल लिए। इट हैपन टू प्रोफेसर कन्विंस राजेंद्र, और तब कहते ये उसको तब याद आया जब वो राजेंद्र को कन्विंस कर रहे थे दैट द स्टोरी वॉज नॉट ए फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, कि भाई जैसा कि उसने इमेजिनेशन किया था अबाउट हिस्ट्री वैसी हिस्ट्री नहीं थी, मतलब वॉज नॉट फिगमेंट सिमिलर नहीं थी। He produced this as a very important piece of evidence. He produced, और कहता है जो बाकर में से जो पेजेस वो टोर करके लाए थे, कहता टोर किए थे उन पेजेस को उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में प्रोवाइड करवाए राजेंद्र के सामने। क्लियर बेटा समझ में आया। नेक्स्ट 14 का जो क्वेश्चन है आपका बेटा वो देखो, What happened? क्या हुआ? Did प्रोफेसर गोटंडे see in आज़ाद मैदान, कि भाई आज़ाद मैदान में क्या देखा और फिर कहता प्रोफेसर के साथ क्या घटित हुआ। इन द आज़ाद मैदान द प्रोफेसर फाउंड ए मल्टीपल ऑफ पीपल मूविंग टुवार्ड्स ए पंडाल टू लिसन टू ए लेक्चर, कहता आज़ाद मैदान में एक पंडाल लगा हुआ था और लोग इधर उधर घूम रहे थे जबकि एक चल रहा था क्या बेटा, लोग सुन रहे थे लेक्चर को, मतलब भाषण दे रहे थे, भाषण को सुन रहे थे। एज द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, कहता लेक्चर प्रोग्रेस में था, चल रहा था, पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आ जा रहे थे, बट प्रोफेसर गोटंडे स्टेड एट द प्लेटफॉर्म, स्टेड इट मीन्स घूरना, लगातार टकटके लगा के देखना, तो कहता है प्रोफेसर गोटंडे ने अपने जो मतलब पंडाल का जो स्टेज था उसकी तरफ देखता रहा। ही नोटिस द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी, उसने देखा कि भाई जो चीफ गेस्ट की जो चेयर थी, प्रेजिडेंशियल जो चेयर थी वो बिल्कुल मतलब खाली पड़ी थी, लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, और कहता है उस खाली प्रेजिडेंशियल चेयर को देख कर कि वो इस प्रकार से अट्रैक्ट हुआ जैसे कि लोहा मैग्नेट की तरफ होता है। ही स्विफ्टली टुवार्ड्स द चेयर, और वो धीरे से मूड बढ़ा आगे टुवार्ड्स की तरफ द चेयर, जो प्रेजिडेंशियल एम्प्टी चेयर थी उसकी तरफ बेटा वो आगे बढ़ा उसको ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन प्रोफेसर गोटंडे वेंट अहेड टू अकैपी बाय चेयर ऑन द डाइज, कहता है उस खाली प्रेजिडेंशियल चेयर के ऊपर जब वो बैठा तो उसके साथ क्या हुआ। व्हेन प्रोफेसर गोटंडे वेंट अहेड अकैपी द चेयर ऑन द डाइज, प्रेजिडेंशियल चेयर के पास जब वो गया, द ऑडियंस प्रोटेस्टेड वेमेंटली, मतलब खुला विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोफेसर गोटंडे वेंट एट द मिल्क टू गिव हिज व्यूज, कहता वेंट टू द माइक, सॉरी प्रोफेसर गोटंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गोटंडे फिर माइक के पास गए टू गिव हिज व्यूज, अपने विचारों को देने के लिए, इट मीन्स बोलने के लिए, बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस
ऑडियंस का कोई भी मूड नहीं था उसको सुनने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ नॉन पर्सन एंड फ्रॉम द क्राउड वो वहाँ उस चेयर के पास गया था। हाउएवर जबकि ई कैप्ट ऑन टॉकिंग, जबकि वो माइक में कंटिन्यू बोलता रहा एंड सून जल्दी ही बिकेम ए टारगेट ऑफ शोर ऑफ टमाटोज एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और जल्दी ही टारगेट बन गया टमाटरों का, अंडों का और दूसरी वस्तुएं लोग उनके उसके ऊपर फेंकने लगे। फाइनली अंत में द ऑडियंस रस्ट थ्रो घसीट के उसको फेंक दिया आउट बॉडीली, मतलब उसकी बॉडी को उठा करके फेंक दिया वहाँ से। बट ई वॉज नो वेयर टू बी सीन, परंतु वो उस वहाँ दिखाई नहीं दिए। इट मीन्स वो गंभीर हालत में हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फैक्ट्स, ये स्टेटमेंट है, फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटासिस एज आई एम बिगनिंग टू लाइज, कहता उस वक्त मैंने इस फैक्ट को जाना, फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर, कि फैक्ट हो सकते हैं स्ट्रेंजर देन फैंटासिस, फैंटासिस की बजाय स्ट्रेंजर हो सकते हैं फैक्ट्स एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, सबसे पहले मैंने उस पंडाल की प्रेजिडेंशियल चेयर के जब मेरे साथ ये व्यवहार किया गया, मेरे साथ हैपनिंग हुई, उस वक्त मैंने इसको रियलाइज किया। वाई डिड राजेंद्र से दिस, राजेंद्र ने ऐसा क्यों कहा प्रोफेसर गेटेंडो के बारे में? आंसर देखो बेटा, राजेंद्र हैड थॉट, राजेंद्र ने सोचा दैट प्रोफेसर माइंड वॉज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम टिल गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ बाहुसा बंसी भाकर, कहता गंगाधर पंत ने जब अपने नए मतलब प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी, हाँ ठीक है, जब भाकर की जो फिफ्थ वॉल्यूम की जो नोट्स उठा के मतलब टर्न करके लेके आए थे, जब वो उसके सामने दिखाए, तो राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि प्रोफेसर का जो मतलब दिमाग है ना वो कुछ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। वेयर द अकाउंट ऑफ द वार स्टार्टेड, मतलब उन पेजेस के ऊपर ये लिखा हुआ था अकाउंट ऑफ द वार, वेयर कहाँ शुरू हुआ था वार, दैट विश्वासराव वॉज हिट बाई बुलेट, जहाँ विश्वासराव को गोली लगी। He then produced the other evidence to the form of a document that he had inadvertently picked up from the professor Gettondo's library, मतलब जहाँ से मतलब उन्होंने और दूसरे भी evidence वहाँ produce किए जो कि library से लेके आए थे बेटा। क्लियर? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ इसका क्या है भाई, देखो इस राजेंद्र वॉज कन्फ्यूज्ड, कहता उन टॉर्न पेजेस को देख करके, उन एविडेंसेस को देख करके राजेंद्र बड़ा कन्फ्यूज था। व्हेन ही सॉ हिज मटेरियल एविडेंस, उन्होंने उस मतलब ठोस सबूतों को देखा तो कन्फ्यूज थे राजेंद्र भी। ही देन एडमिटेड दैट हिज एक्सपीरियंस हैड नॉट बीन जस्ट ए फैंटेसी, कहता और राजेंद्र ने बाद में इस बात को स्वीकारा बेटा कि भाई उनके एक्सपीरियंस जो है हैड नॉट बीन जस्ट ए फैंटेसी, वो कोई फैंटेसी नहीं है। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट फैक्ट्स कुड बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कहानियों की बजाय जो हमारे फैक्ट जो हैं मतलब तथ्य जो हैं वो स्ट्रेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड राजेंद्र एक्सप्लेन रियली, मतलब रियलिटी वास्तविकता को किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया। राजेंद्र सेड दैट, राजेंद्र ने कहा रियलिटी वॉज व्हाट वी एक्सपीरियंस डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, कहता रियलिटी क्या है, रियलिटी की उन्होंने डेफिनेशन दी, एक्सपीरियंस शो किया, वी एक्सपीरियंस डायरेक्टली या मतलब हम अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष, विद आवर सेंसेस हमारी सेंसेस से, एंड इनडायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में वाय इंस्ट्रूमेंट्स, और जो कि हम यंत्रों से मतलब इनडायरेक्ट वे में यंत्रों से जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वही रियलिटी है। इट मे नॉट बी यूनिक, कहते ये नहीं हो सकती, यूनिक नहीं हो सकती, एज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एटम्स से जो प्राप्त करते हैं एंड देर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, और उसके छोटे छोटे जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं उनसे। फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड, कहते भौतिकवादियों ने डिस्कवर किया दैट द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली निश्चित रूप से इस सिस्टम को नहीं किया जा सकता, इवन इफ़ द फिजिकल लॉज गवर्नमेंट दो सिस्टम आर नॉन, जब तक इन गवर्नमेंट जब तक इन सिस्टम्स को फिजिकली नॉन ना करे तब तक हम इस सिस्टम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो देखो,
क्या है भाई, हाउ डिड राजेंद्र लेट द लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी टू द प्रोफेसर एक्सपीरियंस। कहते राजेंद्र जो हैं वो किस प्रकार से कमी बताते हैं द लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म क्वांटम थ्योरी में टू द प्रोफेसर एक्सपीरियंस। कहता जिस प्रकार से प्रोफेसर गेटंडे का एक्सपीरियंस शो किया था अबाउट हिस्ट्री, तो उसमें जैसे क्वांटम थ्योरी में थोड़ा सा स्पेस बताया था ना, उसमें क्या कमी बताई। राजेंद्र सेड दैट द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फायर्ड फ्रॉम ए सोर्स कांट बी डिटरमाइंड एज इन वन वर्ल्ड टू इलेक्ट्रॉन इज फाउंड देयर। कहते जहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब रनिंग में होते हैं तो एक संसार से दूसरे संसार में नहीं पाए जा सकते। इन अनोदर इट इज ओवर देयर वंस द ऑब्जर्वर फाइंड। कहते जैसे हमने उस इस लेसन की द एडवेंचर की समरी में जैसे इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में बताया था, मतलब दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड बताए थे हमारी जिंदगी में, जैसे स्पेस होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन में थोड़ा स्पेस हो वही स्पेस हमारी लाइफ में भी होता है, बिल्कुल एज इट इज सेम बेटा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और बाद में आप अपने आंसर को लिखोगे, पहले आपको इसको अंडरस्टूड करोगे बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 19 का है बेटा, वो देखो वो क्या है भाई, हाउ डिड प्रोफेसर गेटंडे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन रियलिटी द अदर। कहता हाउ डिड प्रोफेसर गेटंडे, किस प्रकार से प्रोफेसर गेटंडे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन रियलिटी टू द अनदर, एक सच्चाई से दूसरी सच्चाई से ट्रांजिशन, मतलब बीच में जो गैप है उसको किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उसको प्रिपेयर करते हैं। राजेंद्र एडमिटेड दैट देर आर मैनी अनसोल्ड क्वेश्चंस इन साइंस। कहता राजेंद्र इस बात को एडमिट करते भी साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिन मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन पढ़े हैं, एंड दिस और इसी पे प्रोफेसर ट्रांजिशन वाज नो वन ऑफ देम। और कहता इन्हीं अनसोल्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रोफेसर गेटंडे भी अपने ट्रांजिशन करते हैं, मतलब कन्विंस करते हैं। बट परंतु ही गेस्ड दैट उन्होंने अनुमान लगाया that since one need some instructions to cause a transition at the time of the collision, कहता जब इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन होता है, he must have been thinking about the catastrophe theory। तो कहता जब उन इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा तो उसी कंडीशन में catastrophe theory होगी, मतलब विषमकालीन सर्व क्या बोलते हैं उसको, it means everything when everything will be destroyed। इट्स रोल इन वॉर। कहता इसी थ्योरी का जो मतलब बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको बेटा, कैटास्ट्रोफी थ्योरी को बोलते हैं, जैसे विनाशक थ्योरी। परहैप्स ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब वो तो अब थिंकिंग कर रहे थे उस पानीपत की बैटल के चारों तरफ उसकी थिंकिंग चल रही थी, एंड द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर। और कहते उनका दिमाग जो था ना वो ट्रिगर की तरह चल रहा था बेटा उसी बार के चारों तरफ, क्लियर। अब देखो एक इसका बड़ा क्वेश्चन है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है, वो मैं आपको अंडरस्टूड करवा देता हूँ। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय प्रोफेसर। कहते उस ऑब्जर्वेशन का आप वर्णन करो जो प्रोफेसर ने नोटिस की एज ही एंटर्ड द अल्टरनेटिव यूनिवर्स, जब वो वैकल्पिक यूनिवर्स में एंट्री करता है, मतलब इमेजिनेशन वाले संसार में जब वो जाता है तो क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन का आपने वर्णन करना है बेटा। प्रोफेसर गेटंडे वाज शॉक्ड व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल एट द स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वाज चेकिंग द ट्रेन परमिट्स, क्लियर। ये सारे लाइन हम करवा चुके हैं सभी। देन द ट्रेन, कोई मतलब यूनिक वर्ड आएगा तो मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ, नहीं तो ये सारी वर्डिंग्स हमने समझा रखी, अंडरस्टूड करवा रखी बेटा। देन द ट्रेन पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक, उपनगर, सबर्बन मीन्स उपनगर, ये रेल ट्रैफिक से गुजरी। द ब्लू कैरेजेस कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड दैट स्टूड फॉर ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलियन रेलवे। GBMR इट मीन्स फुल फॉर्म ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलिटन रेलवे। देर वॉज अ टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज एज ए जेंटल रिमाइंडर दैट दे वर इन ब्रिटिश टेरिटरी। द स्टेशन एट विक्टोरिया टर्मिनस लुक्ड इम्पेकेबली
नीट एंड क्लीन, मतलब इनकेपेबल मीन्स जिसके बारे में एक्सपेक्ट ना करें हम, इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। द स्टाफ कंप्राइज मोस्टली एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। कहता इन स्टाफ मेंबर्स के साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहाँ उपस्थित थे चेकिंग पॉइंट पे। कमिंग आउट द स्टेशन, और जैसे ही कहते प्रोफेसर गेटोंडे उस स्टेशन से बाहर आए, ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। इट वॉज द ऑफिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही वो एज ही वॉक्ड अलोन बाय रोड एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। देर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, इंस्टेड देर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर्स। इम्पोजिंग ऑफिसिस ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, एज इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड। जो कि इंग्लैंड के टाउन्स की जो गलियां होती हैं ना, उसी प्रकार से वहाँ भी बेटा उन्होंने सड़कों को देखा। द ग्रेटेस्ट शॉक, सबसे बड़ा जो उसको झटका लगा, दैट द वेटेड इंतजार करते हुए, वॉज वैन ही एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग एंड विश टू मीट हिज सन विनय गेटोंडे। कहता जब उस फोर्ब्स बिल्डिंग में गए अपने बेटे विनय गेटोंडे से मिलने की, जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, द रिसेप्शनिस्ट रिसर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड देन द एंड थ्रू द डिक्शनरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फार्म एंड फाइनली शूक हर हेड, बाद में अपने सिर को हिला दिया नेगेटिविटी के साथ ही, एंड सेड दैट नोबडी ऑफ दैट नेम वॉज आइदर देयर और एनी ऑफ देयर ब्रांचेज। कहता इस नाम का ना तो इस ब्रांच में कोई आदमी है और ना ही किसी दूसरी ब्रांच में इस नाम का आदमी काम करता है। तो इस बात से प्रोफेसर गेटोंडे सबसे ज़्यादा शॉक हुए थे बेटा। क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं बेटा। क्लियर, पेरेंट सिग्नेचर करवा के मेरे पास आपने इनको सेंड करना है। क्लियर बेटा, थैंक्स, हैव अ गुड डे।